हेलो व्यूअर्स, यहां पर MIUI 10 का ग्लोबल बीटा का अपडेट जिसका नाम है MIUI 10 का 8.8.2, यानी कि फ्राइडे को ही आज ही यहां पर रिलीज़ कर दिया गया है सारा रोम। और अच्छी बात ये है कि Redmi Note 3 3S Prime के लिए ये अपडेट भी आ गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, रिकवरी रोम का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पर MIUI 10 ग्लोबल बीटा का 8.8.2 का जो रोम है वो रिलीज़ किया गया था पहले 3S Prime और Note 3 के लिए। मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आया कि वो जो अपडेट हुआ कैंसिल होने वाला है, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर Redmi Note 3 और 3S Prime जो ग्लोबल बीटा पर हैं उन्हें ये अपडेट में अपडेट मिल जाएगा। तो किन सारे अलग अलग हैंडसेट को ये अपडेट मिलेगा मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन जो ये फाइनल न्यूज़ सामने निकल कर ये आया है कि 3S Prime और Redmi Note 3 को यहां पर ये अपडेट भी मिलने वाला है MIUI 10 का 8.8.2 के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ यहां पर बग्स फिक्स किए गए हैं जो कि पिछले अपडेट में 26 के अपडेट में यहां पर Redmi Note 5 Pro और MI 5 के अंदर किया गया था, उसे पूरी तरह से यहां पर फिक्स किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर नए हैंडसेट का जो भी अपडेट मिला है उसके सारे में हैंडसेट के नाम आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप बीटा में हैं तो यहां पर आप काफ़ी आसानी से इसे अपडेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि कौन सा हैंडसेट है। उसके पहले यहाँ पर जो प्रॉब्लम था MI 5 और MI 6 और Note 5 Pro के अंदर, उसको यहाँ पर LED जो नोटिफिकेशन था वो सही से वर्क नहीं करता था, उसे यहाँ पर इस अपडेट के अंदर फिक्स किया गया। सारे हैंडसेट के नाम बताने वाला हूँ, तो Redmi 3S, Redmi 3, साथ में साथ आपका Redmi Note 3, Redmi 4X, Redmi 5S, Redmi Mi Max, Mi Max, Mi 5S Plus, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi Note 4 Qualcomm, Mi Max 2, Redmi Note 5A, Redmi Y1 Lite, Redmi Note 5A, Redmi Y1, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Mi 6, Mi Mix 2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Mi Mix 2S, Mi 5, Mi Note 2, Mi Mix, जैसे हैंडसेट को यहाँ पर सपोर्ट मिले हैं। तो जो भी आपका बीटा अपडेट में थे उसे OTA के अपडेट के यहाँ पर हेल्प से अपडेट मिलेगा। जिसे नहीं मिला है अपडेट या फिर जो खुद से अपडेट करना चाहते हैं फ़ोन के अंदर, वो रिकवरी रोम जो है डाउनलोड कर लें। रिकवरी रोम और फास्ट बूट रोम दोनों में अवेलेबल करवा दूँगा। तो यहाँ पर यही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं इस तरह का वीडियो लेकर आता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।